नोटबंदी के बाद एक बार फिर से यूपी बिहार में कैश की किल्लत शुरू हो गई है। बिहार में बैंक्स और एटीएम्स में नकदी की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर 6 महीने बीतने के बाद भी हालात सामान्य नहीं कर पाए हैं। नकदी की कमी का आलम यह है कि डाकघरों में ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं सभी सरकारी बैंक्स नकदी मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं। बिहार के मुंगेर, लखीसराय, औरंगाबाद, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी में संकट ज्यादा है। बिहार से पहले यूपी में भी नकदी का संकट बना हुआ है।